बलूचिस्तान में एहसास प्रोग्राम के तहत 50,000 मुस्तहिक घरानों को 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत आवाम को घरों तक महदूद रखने की कोशिश कर रही है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुखय्यर हजरात से अपील है, गरीब तबके की मदद करें, इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोरोना वायरस से मुतालिक बलूचिस्तान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। पचास हजार घरानों को बलूचिस्तान के अंदर एहसास प्रोग्राम के तले 12,000 रुपए फी खानदान को दिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस है और पूरी कोशिश कर रही है वजीर आला की टीम कि वो लोगों को जो है वो एक तो महदूद रख सकें अपने घरों में और उनको राशन पहुंचा सकें। तो मेरी तमाम मुखय्यर हजरात से अपील होगी कि अपनी मदद आपके तहत भी आप भी तमाम जिसका जितना वसाइल है वो लोगों की मदद कर सकें। हम सबको चाहिए कि वो अपने घरों में रहें और जरूरी काम के लिए बाहर निकलें और उसके बाद जब वापस घर आए तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने घर में अपने घर जाएं। इस तरह नहीं है कि यहाँ पे इस तरह की कोई हंगामी पोजीशन हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि तसली बख्श सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर